हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फेसियोला हिपाटिका आज हम सभी फेसियोला हिपाटिका का लाइफ साइकिल देखने वाले हैं जो फेसियोला हिपाटिका होता है ये एक फ्लैट फॉर्म है जो कि शिप के लिवर में रहता है तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो हम शुरू करते हैं फिसियोला हिपाटिका फोला एक जीनस या हिपाटिका स्पीसीज हिपैटिका ये आया है हिपैटिक से हिपैटिक का मतलब ही होता है लिवर इट मीन्स इट रिलेटेड टू लिवर द शिप लिवर फ्लूक ये फ्लैट वॉर्म है जो कि शिप के लिवर में रहता है और डिजीज़ कॉज करता है बीमारी कॉज करता है यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ये फस्योला हिपैटिका का एक अडल्ट वॉम है वो किस तरह का दिखता है ये बिल्कुल लीफ लाइक हो, होते हैं इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल लीफ की तरह होता है ये देखिए यहां पे ये माउथ प्रेजेंट है एंड दिस इज कोन। ओरल कोन को हेड लोब भी बोल सकते हैं दिस इज माउथ देन ओरल सकर ये सकर्स अटैचमेंट के लिए होते हैं गोनोफोर ये रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए एंड एसीटाबुलम ये भी अटैचमेंट में काम आता है और ये वेंट्रल सकर्स हो गए एसिटाबुलम आर आल्सो हेल्प इन अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी एंड लास्टली एक्सक्रीटरी पोर सो इट इज़ एन अडल्ट फॉर्म फिस्योला ही है ये तो शिप में डिजीज कॉज करता है बट अदर भी जैसे स्पीसीज uh, होते हैं लाइक फैस्योला गिगेंटिका फेस्योला गिगेंटिका इस तरह की अदर स्पीसीज़ है जो कि कैटल्स में जैसे कि गोट काउ हॉर्स डियर इवन मैन तक में ये डिजीज कॉज करते हैं है। मैन है कैटल्स में सुनाओ so इसका क्लासिफिकेशन ये फाइलम प्लेटिक हेलमेंथिस से बिलोंग करता है इट मीन्स ये एक फ्लैट वम है क्लास स्ट्रेमाटोडा ऑर्डर इज डाइजीनिया क्योंकि इनमें दो सकर्स प्रेजेंट होते हैं एक ओरल सकर एंड एक वेंट्रल सकर्स जीनस इज फेसियोला एंड स्पीसीज़ बीसीज इज हिपैटिका फिसियोला हिपैटिका ये एक एंडोपैरासाइट्स है ठीक है ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड ए सिप लिवर फ्लूक इसे शिप लीवर फ्लू कहते हैं क्योंकि ये शिप के लीवर में प्रेजेंट होता है एंड इट हैज़ अ कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड ये वर्ल्ड वाइड जो है हमें हर कंट्री में ये डिजीज़ देखने को मिलती है शिप में एंड इट कॉजिज़ द डिजीज़ नोन एज फोलियासिस फेसियोला से जो डिजीज़ होता है उसे फस्योलियासिस कहते हैं या फिर लिवर रॉट क्योंकि ये लीवर में डिजीज कॉज कर रहा है इसे लिवर रॉट भी कहते हैं एंड इट कॉजेज डैमेज टू द लिवर टिश्यूज एंड ऑल्सो बाइल डक्ट में भी ये डिजीज कॉज करता है बाइल डक्ट में भी ये रहता है। हैबिट एंड हैबिटाट फिसोला हैपेटिका कम्प्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट ये दो होस्ट में अपना पूरा लाइफ साइकिल कम्प्लीट करता है एक तो शिप है तो अडल्ट फ्लूग्स जो होते हैं वो शिप में रहते हैं शिप इज द प्राइमरी होस्ट और वर्टिब्रेट होस्ट एंड ये शिप के लिवर और बाइल डक्ट्स में रहते हैं एंड जो लार्वल स्टेज इसका पास आउट होता है ये स्नेल में स्नेल की बॉडी स्नेल इज इनवर्टिब्रेट होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट और ये स्नेल जो है आइदर लिमिया ट्रॉकेट्यूला इस स्पीसीज का होगा या फिर प्लेनॉर्बिस स्पीसीज का भी हो सकता है लिम्निया और प्लेनॉर्बिस में लाइफ साइकिल फस्योला इज डाइजेनेटिक क्योंकि ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो दो होस्ट में कंप्लीट करता है इसीलिए इसे डाइजेनेटिक बोलते हैं एंड द टू होस्ट इन विच प्राइमरी होस्ट आर शिप एंड द इंटरमीडिएट होस्ट आर स्नेल्स द काप्यूलेशन टेक्स प्लेस इन बाइलडक्ट ऑफ द होस्ट ये शिप के बाइल डक्ट में इनका कॉप्यूलेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी ये करते हैं इज ऑफ रेयर एक्रंस बिकॉज दे आर हर्माफ्रोडाइट ये जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट इट मीन्स इनमें एक ही सिंगल ऑर्गनिज़्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रजेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल इन द ओविडक्ट एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट में होता है फीमेल के ईच फर्टिलाइज एग और जाइगॉट इज़ कवर्ड बाय शेल जब जाइॉट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद सो so ये जो एग्स होते हैं ये एक कवरिंग से शेल से कवर हो जाते हैं और ये शेल जो होता है ये स्क्लेरोटीन का बना होता है एंड द शेल्ड एग्स आर टर्म्ड कैप्सूल्स ये जो एग है जो शेल से कवर्ड है इसे कैप्सूल भी कह सकते हैं इट हैज़ एन ओपनिंग कवर्ड बाय अपर क्यूलम कैप्सूल्स में एक ओपनिंग भी होता है जो कि अपर क्यूलम से ढका हुआ होता है एंड अबाउट थ्री थाउजेंड और मोर कैप्सूल्स में अगर एट अ टाइम इन द यूटेरस ऑफ अ सिंगल फ्लूक एक फ्लूक के यूटेरस में अगर देखा जाए तो करीबन तीन हज़ार से अधिक कैप्सूल्स एक फ्लूक के अंदर प्रेजेंट होता है दे में भी एज मैनी एज टू हंड्रेड फ्लूक इन द लीवर ऑफ वन शिप और एक शिप के लीवर में करीबन दो सौ फ्लूक्स होते हैं इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि दो सौ फ्लूक कितने सारे एग को रिलीज कर सकते हैं सो विद इन यूटेरस द फर्टिलाइज एग बाई कम्प्लीट एंड अनइक्वल डिविजन्स फॉर्म ए लार्ज सोमैटिक सेल एंड ए स्मॉल प्रोपेगेटरी सेल्स तो फ्लूक के यूटेरस के अंदर ये जो फर्टिलाइज एग होते हैं ये क्लीवेज करना शुरू करते हैं और ये क्लीवेज जो है ये होलोब्लास्टिक है सो so, इनका क्लीवेज शुरू होता है और अनइक्वल डिवीजन्स के बाद इनमें दो तरह के सेल्स बनते हैं सोमैटिक सेल्स एंड स्मॉल प्रोपेगेटरी सेल्स तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं इनसे लार्वा का एक्टोडर्म और टिश्यू फॉर्म होता है सोमैटिक सेल्स से और जो प्रोपेगेटरी सेल होते हैं इनसे लार्वल बॉडी एंड एक और चीज बनती है दैट इज जर्म सेल्स तो जर्म सेल्स का फॉर्मेशन प्रोपेगेटरी सेल से होता है एंड प्रोपेगेटरी सेल फर्दर फॉर्म्स द जर्म सेल्स जो कि फर्दर और लार्वल स्टेजेस में हेल्प करेंगे कैप्सूल्स डू नॉट डेवलप फर्दर इन फ्लूक्स यूटेरस अब इनका जो डेवलपमेंट होना था वो कम्प्लीट हो गया अब ये यूटेरस से फ्लूक के यूटेरस से बाहर आ जाएंगे तो ये जो कैप्सूल्स है ये गोनोपोर के थ्रू बाहर आ जाते हैं होस्ट इंटेस्टाइन में ठीक है शिप के इंटेस्टाइन में ये कैप्सूल्स आ जाएंगे एंड फाइनली ये जो एक्स है ये जो कैप्सूल्स है ये सॉयल में मिक्स हो जाएंगे विथ इट्स फीसेज यानी कि जो शिप का फीसेज है उसके थ्रू वो सॉयल में मिक्स हो जाएंगे एंड द फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द फेवरेबल कंडीशंस और अगर उन्हें फिर फेवरेबल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर और सारी चीज़ें अगर इनको फेवरेबल मिली तो फिर ये अपना फर्दर आगे का डेवलपमेंट शुरू करेंगे तो इनमें सबसे पहला जो लार्वल स्टेज होता है वो है मीरासीडियम लारवा सो इट इज़ द फर्स्ट लारवल स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल वेन सुटेबल कंडीशन बिकम अवेलेबल जैसे ही इन्हें बाहर सूटेबल कंडीशन मिलता है तो ये जो कैप्सूल्स है ये डेवलप करना शुरू हो जाते हैं और ये चार से पंद्रह दिनों के अंदर मेरा लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं ये मेरा लार्वा फिर हैच आउट होता है इट मीनस ये कैप्सूल से बाहर आ जाता है एंड वो सराउंडिंग वाटर में स्विम करना शुरू कर देता है एंड इट हैज़ अ सीलिया ठीक है सिलिएटेड लार्वा है ये ये फ्री स्विमिंग सिलेटेड यानी कि इसकी पूरी बॉडी में सीलिया प्रजेंट होता है ताकि ये आराम से स्विम कर सके एंड इसकी जो बॉडी होती है एंटीरियर जो होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है होता है एंड प्रोवाइडेड विथ एन एपिकल लोब और एंटीरियर में एपिकल लोब यानी कि एक कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसे एपिकल लोब कहते हैं जिसमें माउथ प्रेजेंट होगा एंड द पोस्टीरियर एंड जो है दैट इज़ नैरो एंड द इंटायर बॉडी एक्सेप्ट द एपिकल लोब इज़ कवर्ड बाय सीलिया सिर्फ और सिर्फ एपिकल लोब को छोड़ करके पूरी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होता है एंड इसका जो एक्ट्रोडम है वो काफ़ी सारे लेयर्स से बना हुआ होता है जो कि थिक है एंड इसमें आई स्पॉट्स होते हैं प्रोटोनिफ्रीडिया होते हैं एक्सक्रीशन के लिए एंड ए ग्रुप ऑफ जर्म सेल्स जर्म सेल्स भी प्रेजेंट है जो मेरा सीडियम लार्वा है ये फ्रीली जो है वाटर में तैरना शुरू कर देता है आइदर वो पॉन्ड हो या लेक हो और ये स्नेल की यानी कि जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल विच इज़ बिलोंग टू द जीनस लिम्निया वो लिम्निया को खोजना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे स्नेल मिलता है तो वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है सो इफ़ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ स्नेल दैन इट पिनिट्रेट्स इन टू सॉफ्ट बॉडी ऑफ होस्ट एंड एंटर इंटू द डाइजेस्टिव ग्लैंड और ये स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में एंट्री करता है और इस एंट्री के दौरान ये अपना सीलिया को लूज़ कर जाता है क्योंकि स्नेल की बॉडी उसमें वो जबरदस्ती एंटर कर रहा है तो एंटर करने के दौरान जो उसका सीलिया होता है वो रिमूव हो जाता है सो इट डेवलप्स इन टू सेकेंड लार्वल स्टेज और स्पोरोसिस्ट लार्वा इन अबाउट फोर्टीन डेज अब आने वाले आगे चौदह दिनों में ये बनेगा नेक्स्ट लार्वल स्टेज दैट इज स्पोरोस्ट लार्वा यहाँ पर मैंने मेरा सीडियम लार्वा का फिगर बनाया है देखिए ये एपिकल लूब है दिस इज अ कॉनिकल प्रोजेक्शन इन एंड देन सीलिया ये आई स्पॉट है और ये एपिडर्मल सेल्स है पूरी बॉडी में इसके सीलिया प्रेजेंट होता है इट इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम इसके इंटरनल व्यू को देखें तो हम इसके अंदर के ऑर्गन्स को भी देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया वगैरह सो नेक्स्ट लार्वल स्टेज स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है ये इट लुक्स लाइक एन इलॉन्गेटेड सैक एंड इट्स बॉडी वॉल ऑल द लेयर्स ऑफ बॉडी वॉल ऑफ मेरा सीडीएम एक्सेप्ट सीलिया इट मीन्स जो इस पोरोसिस्ट की जो बॉडी लेयर है वो बिल्कुल मीरा सीडियम की तरह होती है बस सिर्फ और सिर्फ इसमें सीलिया है जो कि प्रजेंट नहीं होता है अदरवाइज इसमें सारे के सारे बॉडी लेयर्स होते हैं एंड इट हैज़ क्यूटिकल एंड प्रोटोनिफ्रीडिया जर्म सेल्स विच बाई डिविजन डेवलपिन टू द नेक्स्ट लार्व इसमें जो सीलिया लूज हो जाता है तो ये एक क्यूटिकल से कवर हो जाता है तो इसमें क्यूटिकल्स होते हैं प्रोटोनिफ्रीडिया तो होगा एंड जो इसमें जर्म सेल्स होते हैं ये यही जर्म सेल्स बाय डिवीजन फर्दर ये डिवाइड करते हैं इसके अंदर और ये जर्म सेल्स बन जाते हैं नेक्स्ट लार्वा दैट इज रेडिया लार्वा, तो जर्म सेल्स हेल्प करते फॉर्मेशन में रेडिया लार्वा बनने में ये जो स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है ये करीबन जीरो पॉइंट सेवन एम एम लॉन्ग होता है ये सारा जो स्टेजेस है ये स्नेल की बॉडी में चल रहा है ठीक है ये स्पोरोसिस्ट है देखिए इसके अंदर रेडिया लार्वा फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है रेडिया लार्वा बन रहा है ये फ्लेम सेल्स हो गए एक्सक्रीटरी पोर दीज आर जर्म सेल्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिया एम्ब्रियो है एंड दिस इज ऑल बॉडी आर कवर्ड बाई क्यूटिकल नेक्स्ट इज रेडिया लार्वा रेडिया लार्वा कम्स आउट फ्रॉम स्पोरोसिस्ट बाय रपच्चरिंग द स्पोरोसिस्ट वॉल तो ये स्पोरोसिस्ट को पूरी तरह से रपच्चर करके बाहर आता है रेडिया लार्वा जो कि इसके अंदर बन रहा था स्पोरोसिस्ट में ये जो रेडिया लार्वा होता है ये इलॉन्गेटेड होता है एंड बाउंडेड बाई क्यूटिकल इसमें भी क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं एंड इट बियर्स ए माउथ इसमें एक माउथ प्रेजेंट है जो कि इसके एंटीरियर एंड में होगा ऑब्वियसली माउथ इज एंटीरियरली सिचुएटेड एंड इट ओपेंस इन टू फेरिंग्स फेरिंग्स होता है एंड देन इंटेस्टाइन प्रजेंट है सो ये जो रेडिया लारवा है ये करीबन वन पॉइंट सिक्स एम एम लॉन्ग होता है मस्क्यूलर कॉलर प्रजेंट बिहाइंड द फेरिंग्स ए परमानेंट बर्थ पोर ए लिटल बिहाइंड इन कॉलर देखिए तो इसकी जो बॉडी होती है इसमें माउथ के बाद फेरिंग्स एंड फेरिंग्स के जस्ट बाद होता है मस्क्यूलर कॉलर और मस्क्यूलर कॉलर के नीचे होता है ये बर्थ पोर एक होल प्रेजेंट होता है जिसे बर्थ पोर कहते हैं इस छेद को एंड देन एट द पोस्टीरियर एंड लाइज द एक्सक्रीटरी पोर उसके बाद यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है थेके? जो कि प्रोटोन का ओपनिंग है एंड दे कंटेन्स ग्रुप ऑफ जर्म सेल्स आल्सो इनमें जर्म सेल्स भी है जो कि यही जर्म सेल्स फिर डिवीज़न करके नेक्स्ट लार्वा दैट इज सर्केरिया लार्वा को फॉर्म करेंगे एंड दिस कम आउट थ्रू द बर्थ पोर देखिए ये जो सरकेरिया बनता है ये बर्थ पोर से बाहर आता है क्योंकि इनमें बर्थ पोर प्रेजेंट है और पिछले वाला जो स्पोरोसिस्ट था उनमें बर्थ पोर नहीं था तो वो उसको रपच्चर करके बाहर आ रहा था तो यहाँ पे जितने भी अंदर सर्केरिया बनेंगे ये बर्थ पोर से ही बाहर आएंगे ठीक है ये हो गया या लार्वा का स्ट्रक्चर इनमें देखिए यहाँ पे लैपेट्स ये प्रेजेंट होते हैं लैपेट्स एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है ये लैपेट्स नाउ सरकेरियल लार्वा अब देखिए सरकेरिया लार्वा स्टार्ट करते हैं देखिए रेडिया लार्वा जो होता है मैं बता रही हूँ कि इसमें सरकेरिया लार्वा बनने से पहले एक और जेनरेशन का रेडिया लार्वा भी बनता है इट मींस कि जब इसमें जर्म सेल्स का डिवीज़न होना शुरू होता है तो इनमें सेकेंड जनरेशन का रेडिया भी बनता है इन्हीं के अंदर एक सेकेंड जनरेसन का रेडिया लार्वा भी फॉर्म होता है एंड देन फिर वो सरकेरिया लार्वा में बनता है ये समर के टाइम पे होता है समर सीजन में एंड देन जब विंटर आते हैं तब जा कर के सरकेरिया बनता है इट मीन सरकेरिया लार्वा डायरेक्ट नहीं बनता है पहले एक और स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे सेकेंड जेनरेशन ऑफ रेडिया कहा जाता है तो फाइनली सरकेरिया बन गया बर्थ पोर से ये बाहर आ गया अब देखिए ये जो सर्केरिया लार्वा है ये क्या करेगा एक रेडिया से करीबन चौदह से बीस सर्केरिया लार्वा निकलते हैं एंड इट हैज़ एन ओवल बॉडी विथ लॉन्ग टेल फॉर स्विमिंग इसकी बॉडी थोड़ी ओवल शेप की होती है एक लंबी सी टेल होती है ताकि वो आराम से स्विम कर सके माउथ है देन फैरिंग्स है एंड इट ओपन्स इन टू बाईफीड इंटेस्टाइन इसका जो इंटेस्टाइन है वो बाई फीड इट मीन्स ये कंटिन्यू होकर के दो तरफ से इस तरह से ओपन हो जाएगा इसीलिए इसे फीड कहते हैं एंड ओरल एंड वेंट्रल सकर्स प्रेजेंट है दोनों प्रेजेंट है बॉडी में फ्लेम सेल्स है जर्म सेल्स आल्सो है एंड इनमें एक सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स होता है जो कि आगे चल के सिस्ट फॉर्मेशन में हेल्प कर करेगा एंड देन वेन सर्करिया इज़ फुल्ली फॉर्मड इट कम्स आउट ऑफ स्नेल बॉडी देखिए अब तक जितने भी लार्वल स्टेजेस चले ये सब स्नेल की बॉडी के अंदर हो रहा था बट अब ये जो सर्केरिया लार्वा है ये सर्केरिया लार्वा अब स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा तो ये स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा और स्विम करना फिर वाटर में शुरू करेगा क्योंकि इसके पास टेल है टेल की हेल्प से ये स्विम करेगा एंड फाइनली गेट्स अटैच टू एक्वाटिक प्लांट्स और ये क्या करेगा ये अब जा कर के किसी भी एक्वाटिक प्लांट के लीफ में जा करके अटैच हो जाएगा चपक जाएगा तो यहाँ पे मैंने सरकेरिया लार्वा का स्ट्रक्चर बनाया है देखिए ये बिल्कुल एक हार्ट शेप का भी दिखता है इसमें एक टेल प्रेजेंट है माउथ है ओरल सकर है देखिए इंटेस्टाइन जो है वो बाईफीड है दो लोब में डिवाइड हो गया है इसमें देखिए वेंट्रल सकर एसिटाब्लो बुलम भी प्रेजेंट है सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स है जेनाइटल रूडिमेंट्स यानी कि जो जर्म सेल्स थे वो कुछ यहाँ पे बच गए हैं दिस इज ब्लाडर जो कि नेफ्रीडिया से कनेक्ट है एंड देन टेल सो ये हो गया है सरकेरिया लार्वा नेक्स्ट जो लारवाला स्टेज है वो मेटा सर्केरिया है ये मेटा सर्केरिया कब फॉर्म होता है जब सर्केरिया लारवा अपना टेल लूज़ कर जाता है ठीक है ये अपना टेल को लूज़ कर जाता है तब ये एनसिस्ट हो जाता है देखिए ये जो लार्वा था इसने अपना टेल को त्याग दिया और अपने चारों ओर एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया ये जो सिस्ट है ये किससे निकलता है सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स इसी से सिक्रीट होता है इसका सिस्ट सिस्ट का काम क्या है प्रोटेक्शन करना ताकि ये सर्वाइव कर सके या डेसिकेशन से बच सके एंड थाउजेंड्स ऑफ मेटरसर फाउंड अटैच टू अ सिंगल ग्रास ब्लेड एक सिंगल से ग्रास में बहुत सारे मेटा होते हैं ये राउंड दिख रहा है इसका डायमीटर करीबन जीरो पॉइंट टू mm एम एम का होता है एंड इसमें माउथ है ओरल सकर फैरिंग बाईफ इंटेस्टाइन फ्लेमसेज जो कि सरकेरिया में प्रेजेंट था सिर्फ और सिर्फ टेल छोड़ करके इसमें सभी चीज़ प्रेजेंट होती है और ये चारों तरफ से सिस्ट में कवर हो जाता है देन इट इज़ नोन एज मेटासिया अब देखते हैं कि ये मेटासर्किरिया किस तरह से सिप की बॉडी में एंटर करेगा सो so, मेटा क्योंकि वो प्लांट के लीव में चपक चुका था तो जब भी कोई शिप आकर के इसको खाता है वेन इट फीड्स एक्वाटिक प्लांट देन ये जो मेटासर्करिया है ये फिर से सिप के बॉडी में एंटर कर जाएंगे सो द सिस्ट वॉल इज डिजॉल्व इन सिप इंटेस्टाइन अब जब ये शिप के इंटेस्टाइन में आ जाएंगे तो जो इनका सिस्ट होगा वो लूज़ कर जाएगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा देखिए ये स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस होता है उनसे ये बच जाते हैं ठीक है इनमें इसका कोई सिस्ट जो है डिज़ोल्व नहीं होता है लेकिन जब ये इंटेस्टाइन में आते तब ये इनका जो सिस्ट है वो लूज हो जाता है और ये बाहर आ जाते हैं फिर वो क्या करेंगे इंटेस्टिनल वॉल में पेनिट्रेट करना शुरू होंगे और इस तरह से ये फाइनली ये लीवर में पहुंच जाएंगे लीवर में बाय द दपेटिक पोर्टल सिस्टम ठीक है ये फाइनली जो यंग फ्लूक्स है वो लीवर में एंटर करेंगे और यहाँ पे वो अपना खाना पीना फीडिंग करना शुरू करेंगे हैज़ द लाइफ साइकिल कंटिन्यूज एंड आफ्टर मैचोरेशन स्टार्ट्स एग्लेंग और ये करीबन ग्यारह से तेरह हफ्तों में एलेवन टू थर्टीन वीक्स ये मैच्योर हो जाएंगे यंग से अडल्ट फ्लूक बन जाएंगे और फिर से ये अपना एग लेइंग करना शुरू करेंगे फिर कैप्सूल बनेगा और वही जो सर्कल वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा लाइफ साइकिल इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा यहाँ पे मैंने इसका फिगर बनाया है लाइफ साइकिल का आइए समझते हैं देखिए ये शिप है सबसे पहले शिप ने जो सिप का इंटेस्टाइन है हमने पढ़ा था कि बाइल डक्ट में जो अडल्ट फ्लूक होते हैं वो कॉप्यूलेशन के ज़रिए एग का फॉर्मेशन करते हैं ये एग जो है ये शेल कवर करके कैप्सूल बनाता है और फाइनली ये इंटेस्टाइन में आता है और इंटेस्टाइन से फीकल मैटर्स के थ्रू ये बाहर आ जाता है फीकल मैटर्स में एक कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये है एग कैप्सूल्स जो है ये पॉन्ड वाटर में जाने के बाद फिर यहाँ पर एक सेल्स जो होते हैं उनमें डेवलपमेंट होना शुरू होता है और सबसे पहला लार्वा स्टेज जो कि मेरा सीडियम लार्वा है वो बनता है फिर मेरा सीडीएम जो है वो शेल को बाहर आ जाता है शेल से ठीक है शेल से बाहर आने के बाद ये स्विम करना शुरू होता है बिकॉज इट हैज़ सीलिया प्रेजेंट सीलिया से ये स्विम करते हुए इंटरमीडिएट होस्ट की तलाश करता है यानी कि स्नेल जैसे ही इसे स्नेल मिलता है तो ये स्नेल की बॉडी में एंटर कर जाता है और ये अपना सीलिया को लूज कर जाता है उसके बाद ये अपना सबसे पहला लार्वा स्पोरोसिस्ट बनाता है स्नेल की बॉडी का फर्स्ट लार्वा इज स्पोरोसिस्ट ठीक है अदरवाइज इट इज़ सेकेंड फर्स्ट इज मेरा सीडियम एंड स्पोरोसिस्ट इज सेकेंड लार्वा देन थर्ड लार्वा विच इज रेडिया रेडिया में मैंने बताया था कि दो एक जनरेशन और होता है रेडिया के अंदर सबसे पहले सेकेंड जेनरेशन ऑफ रेडिया बनता है तब जाके इसमें सरकेरिया लार्वा बनता है तो फोर्थ लार्वा इस सर्केरिया लार्वा और उसके बाद ये जो सर्केरिया लार्वा है ये फिर बाहर आ जाता है स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है और ये स्विम करना शुरू करता है बिकॉज इसके पास टेल प्रेजेंट है तो इतने सारे स्टेजेस यानी स्पोरोसिस रेडिया और सर्केरिया ये सभी स्नेल की बॉडी के अंदर चलता है अब ये जो सर्केरिया है ये कोई लीफ को देखेगा और उसमें जा कर के अटैच्ड हो जाएगा और अपना टेल लूज करके ये बन जाएगा लास्ट मेटासर्केरिया लार्वा और ये मेटासर्गेरिया लार्वा जो है वो लीफ के थ्रू फिर से शिप इसको खाएगा और इसके अंदर चला जाएगा और इसके इंटेस्टाइन में फिर से ये मेटासर्केरिया जो है ये एक्सिस्टेड हो जाएंगे यानी इनका सिस्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा इनके इंटेस्टाइन में और फिर से ये लिवर में पहुंच करके अपना जो डिजीज़ कॉज करते लिवर रॉट ये अपना शुरू कर देंगे तो इस तरह से ये जो फस्योला हिपैटिका इस जो साइकिल है वो चलता रहता है तो ये लाइफ साइकिल आज हमारा कंप्लीट हो गया इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है जैसे कि पैथोजेनेसिस प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ें जो भी है ये अगली वीडियो में करेंगे तो अगली वीडियो भी जा करके ज़रूर देखिएगा आप सब तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक फिसियोला हिपाटिका जिसमें हमने देखा कि ये एक फ्लैट वॉर्म होता है जो कि शिप के लिवर में रहता है और फैसियोलिया डिजीज़ को कॉज करता है ये जो फिसोला हिपाटिका है ये डाइजेनेटिक है इट मीन्स ये दो होस्ट में एक तो शिप में और दूसरा स्नेल में भी ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो सबसे पहले इसका जो पहला लार्वा होता है मीरा लार्वा ये फॉर्म हो जाता है और ये मेरा सीडियम लार्वा डी चूँकि ये सीलिएटेड है तो ये स्विम करता है और आसपास अपने इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल को खोजने शुरू करता है और जैसे ही इसे स्नेल मिलता है ये स्नेल की बॉडी में एंटर कर जाता है और ये स्पोरोसिस्ट लार्वा सेकेंड लार्वल स्टेज में फॉर्म हो जाता है देन ये थर्ड लार्वल स्टेज रेडिया लार्वा में कन्वर्ट होता है और रेडिया लार्वा से बनता है सरकेरिया लार्वा फिर सरकेरिया लार्वा जो है वो फाइनली बनाता है मेटा सर्क आफ्टर लूजिंग इट्स स्टेल और ये एक सिस्ट से कवर हो जाता है विच इज सिक्रीटेड बाई सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स और ये जो मेटासर्क एरिया है ये घास में यानी पत्ते में एक्वेटिक ग्रास लीव्स में चपक जाते हैं जिससे कि ये फिर से शिप में एंटर कर सके तो फिर ये किसी नए शिप में अपना एंटर कर जाता है और जो मेटा सरकेरिया है वो अपना सिस्ट को लूज कर देता है शिप के इंटस्टाइन में और फिर इस तरह से इसका साइकिल शुरू होता है इट मींस फिकल मैटर में ये आते हैं फिर ये मेरा के फॉर्म में स्नेल में एंटर करते हैं जहाँ पे ये स्पोरोसिस्ट रेडिया और सरकेरिया बनते हैं और सर्केरिया फिर से स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है एंड देन वो मेटा सर्केरिया बन करके शिप में जाता है तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है दोस्तों तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच एवरी